नमस्कार, आप देख रहे हैं बोल्ड स्काई। मैं हूं आपके साथ पूजा वशिष्ठ। राधा अष्टमी इस बार 4 सितंबर को मनाई जाएगी। राधा अष्टमी को व्रत करने से माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होती हैं और आपका घर धन संपदा से भर देती हैं। कुछ स्थानों पर राधा अष्टमी के दिन राधा जी के साथ ही माँ लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है। माना जाता है कि राधा अष्टमी से लेकर अगले 10 दिनों तक कुछ विशेष कार्यों को करने और जप करने से आपके घर में खुशहाली आती है और माँ लक्ष्मी का वास होता है। आइए जानते हैं ये काम कौन से हैं। नियमित देवी राधा के स्रोत का राधा अष्टमी से अगले 16 दिनों तक पाठ करें। अगर राधा स्रोत का पाठ न कर पाए तो राधा सहस्त्रनाम स्रोत का पाठ कीजिए। माना जाता है कि इस पाठ को करने से आपके ऊपर कान्हा जी के साथ ही लक्ष्मी स्वरूप माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है। सुरैया पर्व। राधा अष्टमी से सुरैया पर्व का आरंभ होता है जो 16 दिनों तक चलता है। ये पर्व जीवन को सुर में लाने का पर्व है। इसमें 16 दिनों तक देवी लक्ष्मी के स्त्रोत का पाठ करना चाहिए। इससे धन वैभव की प्राप्ति होती है। इसके साथ इन 16 दिनों के बीच में पड़ने वाले शुक्रवार को माँ लक्ष्मी को केसर की खीर का भोग लगाना चाहिए। इससे आपके घर में आनंद की प्राप्ति होती है और परिवार में खुशियाँ बढ़ती है। राधा अष्टमी से अगले 16 दिन तक देवी राधा और भगवान श्री कृष्ण की युगल मूर्ति की पूजा करें। देवी राधा को सुहाग सामग्री भेंट करें और राधा कृष्ण नाम का यथासंभव जप करें। हो सके तो इन 16 दिनों में गाय को रोजाना हरा चारा जरूर खिलाएं। इन काम को करने से आपके घर में बरकत आती और धन की कमी कभी नहीं होती। कुबेर की पूजा। सुरैया पर्व को यक्ष और यक्षिणी साधना का भी समय कहा जाता है। भगवान कुबेर को यक्षराज कहा जाता है, ये धन के स्वामी है। सुरैया पर्व के दौरान यक्षराज कुबेर की नियमित पूजा करें। राधा अष्टमी के दिन कुबेर यंत्र और श्री यंत्र की स्थापना करके नियमित इनकी पूजा करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही जानकारियों के लिए चैनल बोल्ड स्काई सब्सक्राइब करें।